आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं यस बैंक स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में जैसा कि हमारा चार्ट का एक्सपेक्टेड था और हमने आपसे डिस्कस भी किया था कि इस कंसोलिडेशन जोन के बाद एक वन साइडेड अप ट्रेंड दिखा और यहां से एक्सपेक्टेड था कि 15 रुपीज टू 14.5 रुपीज के आसपास का ये एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। इसके बाद अगेन इस स्टॉक में अप ट्रेंड दिखेगा तो इस समय इस स्टॉक में बाय ऑन डिप्स करने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से यहां से गिरावट दिखी है तो यहां से रिट्रेसमेंट लेता है, उसके बाद अपसाइड जब जाए उसी टाइम हम फ्रेश बाइंग या फिर एवरेज आउट करेंगे। इस समय वेट करना चाहिए। और इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण इस स्टॉक में ये रहा है कि इस स्टॉक में एक न्यूज ट्रेंड होते हुए दिखा है, जो कि शायद आपने भी देखा होगा कि स्पाइस जेट के रिजल्ट काफी बिलो द एक्सपेक्टेशन रहे और इसमें जो लोन दिया गया है IDFC फर्स्ट बैंक, इंडियन बैंक और यस बैंक के द्वारा वो हाई रिस्क पे है, जो कि NPA बनने के हाई चांसेस हैं, जिसके बाद जो अर्ली लोअर प्राइस के बायर थे उन्होंने एग्जिट किया, जो इस प्राइस के बायर रहे होंगे उन्होंने एग्जिट किया और यहाँ से एक डाउन ट्रेंड दिखा और एक्सपेक्टेशन है कि इस लेवल से अगेन यहाँ से बाउंस बैक दिख सकता है। ये जो लेवल रहा है वो मेरा पर्सनली मानना है कि इस लेवल के आसपास अगेन बहुत सारे बायर्स आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज इस स्टॉक में हमने देखा और मूडी के तरफ से भी इस बैंक के रेटिंग को अपग्रेड करते हुए हमने दिखा है। तो मुझे पर्सनली नहीं लगता जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं वो एग्जिट करें। ये एक जोन होगा जहां आप अगेन एवरेज आउट या फिर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। मेरा टारगेट काफी हाई है, अगेन मैं इंटेक्ट हूँ और मिनिमम आपको 3 to 6 मंथ के ड्यूरेशन में जो टारगेट दिखने वाले हैं यहाँ से अराउंड 100% तक का टारगेट श्योरली दिख सकता है। और दूसरा इस समय देखेंगे तो होटल स्टॉक काफी बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। द बाइक हॉस्पिटलिटी जो कि होटल सेक्टर से बिलोंग करती है, इस स्टॉक को लेकर के मेरा पर्सनली व्यू काफी बुलिश है। यहाँ देखेंगे जिस प्रकार से ये स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है, यहाँ से देखेंगे जिस प्रकार से ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है, ये 57.60+ के टारगेट आपको इजीली इस स्टॉक में देखने को मिलने वाला है। ये जोन एक डिमांड जोन रहा था, इसको इसने ब्रेकआउट किया, इसके बाद इमीडिएट टारगेट आपको 60+ के दिखने वाले हैं। 43 का प्राइस ट्रेड हो रहा है और इस स्टॉक में जो स्टॉप लॉस लेंगे ये जो लेवल है 36 के नीचे के स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें।